टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय हैं। वहीं ओलंपिक 2020 में भारत का यह पहला गोल्ड है। ओलंपिक 2020 में भारत को अब तक 7 मेडल मिल चुके हैं। वहीं एथलेटिक्स मुकाबले की बात करें तो एथलेटिक्स में ओलंपिक में भारत का यह पहला मेडल है। जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर का थ्रो कर शानदार शुरुआत की। दूसरे थ्रो में नीरज ने 87.58 मीटर दूर जेवलिन फेंका। हालांकि नीरज का तीसरा थ्रो बढ़िया नहीं रहा और वह 76.79 मीटर ही थ्रो कर पाए। पहले तीन थ्रो के बाद नीरज 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ पहले नंबर पर रहे। नीरज चोपड़ा का चौथा और पांचवा थ्रो फाउल करार दिया गया। फिर छठे और आखिरी प्रयास में नीरज ने 84.24 मीटर थ्रो किया। नीरज का दूसरा प्रयास में फेंका गया 87.58 मीटर का थ्रो ही गोल्ड मेडल पाने के लिए काफ़ी था। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा इससे पहले 2018 के एशियन और कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 2017 में नीरज ने 85.23 मीटर का जेवलिन थ्रो कर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा सहित कई मशहूर हस्तियों ने नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने पर बधाई दी है। वहीं नीरज की इस उपलब्धि पर देश भर में जश्न का माहौल है। खेल जगत और अन्य लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।